हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब सफलता। 10 नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक 10 नियम। आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नियम फॉलो करने होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ 10 प्राकृतिक नियम बताए हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए, जो प्रकृति ने बनाए हैं और हम उन्हें फॉलो करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट दिया है क्वेश्चंस का। हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफलतम व्यक्ति कौन होता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, और वह किस प्रकार का जीवन जीता है। आपने बहुत सारे सफलतम व्यक्तियों के बारे में उनके नाम सुने होंगे, उनके बारे में सुना होगा, तो आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से जीवन जीते हैं या वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं सीढ़ियाँ 10, ये हैं वो 10 प्राकृतिक नियम जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन्हीं पर चलकर हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं चैप्टर का। यहाँ पे आपको प्राकृतिक नियम के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक नियम क्या होते हैं? वो एक गुरुत्वाकर्षण की तरह होते हैं जिनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, और वो हमारे जीवन के और प्रकृति के मूलभूत आधार होते हैं जिसके बिना हम अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे चीज़ों को यानी प्राकृतिक नियम में चीज़ों को ठीक वैसा ही बताया गया है जैसी वो वास्तव में होती हैं, लेकिन वैसा नहीं बताया गया जैसा हम चाहते हैं कि वैसी वो हों। यानी बहुत बार हम चाहते हैं कि चीज़ें वैसी हों जैसा हम उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? रियल होती है। तो प्राकृतिक नियम भी ठीक वैसे ही रियल होते हैं। हम इनका पालन करके क्या क्या कर सकते हैं? जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने जीवन को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अपने संबंधों में सुधार कर पाएंगे, हम अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी यानी अपनी स्वयं की जो उत्पादकता है, कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है, उसे बढ़ा पाएंगे, और हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। आपने देखा होगा कि जब अपने जीवन में, डेली लाइफ में भी अगर आप कोई से नियम का पालन करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, तो इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता है, और जब हम किसी कार्य को कर लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं? आंतरिक शांति। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रूल। हमारी सफलतम जीवन का फर्स्ट रूल क्या है? कंट्रोल अवर लाइफ, कंट्रोलिंग योर टाइम। यानी आप अपने जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं? अपने समय को नियंत्रित करने को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द इवेंट इन अवर लिव्स, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करके। डेली टाइम में आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, आप उन्हें कंट्रोल कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें इवेंट कंट्रोल करना शुरू करना होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम वॉचेस यानी घड़ियों पे कंट्रोल करें। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप घड़ी के कांटों को घुमाते रहें बार बार और ये सोचें कि हाँ टाइम कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं है। घड़ी जो हमारे घर में लगी है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है कि सूर्य ने स्काई को, आसमान को कितनी देर में अक्रॉस कर लिया, यानी से शाम, शाम से रात, और रात से फिर सुबह होने का जो समय है वो हमारी घड़ियां बताती हैं। तो उस घड़ी के जो टाइम है उसको हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें अपने समय को कंट्रोल करना है। तो इस तरह हमें क्या करना होगा? हमें अपनी इवेंट को कंट्रोल करना होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप इवेंट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी घटनाओं को, होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें फोकस करना होगा अपनी घटनाओं पर। आप जो भी काम करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप खुद उसमें जो डिफरेंस होंगे वो महसूस कर पाएंगे। बहुत से काम होते हैं जो हम धीरे धीरे करते हैं, डिले करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन अगर आप उन पर फोकस करके काम करेंगे लेकिन आप उन कामों को फोकस करेंगे तो वो काम जल्दी और अच्छे से होंगे। तो हमारा फर्स्ट टूल क्या है? हमारा फर्स्ट टूल है कि हमें अपने जीवन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमें अपने टाइम को, अपनी घटनाओं को, इवेंट को कंट्रोल करना होगा। सेकेंड लॉ है हमारा आपके गवर्निंग वैल्यूज़ यानी प्रबंधकीय मूल्य आपकी व्यक्तिगत सफलता का आधार होते हैं। जिनके अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं वही आपके गवर्निंग वैल्यूज़ कहलाते हैं। गवर्निंग वैल्यूज़ मतलब हमारे जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट काम, कुछ वैल्यूज़ जिन्हें हम महत्व देते हैं। कभी कभी हम लाइफ में सोचते हैं कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, यानी सबसे पहली हमारी प्राथमिकता, जीवन में सबसे पहले हमें क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, मूल्यवान है।
प्रबंधकीय मूल्य ही हमारी सबसे उच्चतम प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आइडियल्स, हमारे आदर्श हमारी वास्तविकता से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, तो उसके लिए हम कोई ना कोई आदर्श स्थापित करते हैं, लेकिन हमारी जो जीवन की रियलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इन दोनों के बीच जब हम फंस जाते हैं तब हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होते। तो हमें अपने जीवन के वैल्यूज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए गवर्निंग वैल्यूज़ यानी प्रबंधकीय मूल्यों की आवश्यकता होगी। मतलब हम अपने जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देंगे, उसके लिए प्रबंध करना अति आवश्यक है। थर्ड हमारा लॉ है कि हमें जो अपनी गवर्निंग वैल्यूज़ होती हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ से। जो हमारे महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसे हमें डेली एक्टिविटीज़ कार्य में डालना होगा, तभी हम अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। गवर्निंग वैल्यूज को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें नापना यानी उनका मापन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं वो होते हैं लॉन्ग रेंज और इंटरमीडिएट गोल वाले। जीवन में अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं वो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं और लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, यानी मध्यमवर्तीय दूरी के भी हो सकते हैं और लंबी दूरी के भी हो सकते हैं। जो हमारे जीवन में हम लक्ष्य बनाते हैं वो कभी कभी बहुत बड़े भी होते हैं और कभी छोटे भी होते हैं। जैसे 12th पास करना आपका इंटरमीडिएट गोल हो सकता है, MBBS करना, डॉक्टरेट करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, ये आपका लॉन्ग रेंज गोल होगा। और ये जितने भी आपके गोल हैं, लक्ष्य हैं, ये प्राप्त तब हो पाएंगे जब आप उन्हें डेली टास्क में, डेली एक्टिविटी में डालेंगे, और तभी आप उन्हें उन लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने टाइम और अपनी एनर्जी पर ध्यान देना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तभी वो टास्क आप अचीव कर पाएंगे और आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना पाएंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को धीरे धीरे अपने डेली एक्टिविटीज़ में या डेली टास्क में बांटकर काम करेंगे, तो आप आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे और आपके अंदर एकता और संतुष्टि की भावना पैदा होगी। इस थर्ड लॉ का मतलब ये हुआ कि इंसान को जब भी अपने वैल्यूज़ प्राप्त करनी होती हैं या जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तब उस लक्ष्य के लिए उसे डेली काम करना होता है। लॉ नंबर 4, हमें किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक, सिग्निफिकेंट गोल यानी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने आराम क्षेत्र को छोड़ना होगा। आराम क्षेत्र मीन्स हमारे जो कंफर्ट जोन होते हैं, आराम करने के जितने भी साधन होते हैं हमें उन्हें छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी होते हैं, यानी बाहरी आराम क्षेत्र भी होते हैं और शारीरिक भी आराम क्षेत्र होते हैं। कोई मतलब नहीं कि हम किस प्रकार के कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत सी तरह के कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन भी हो सकता है। तो ये सारे कंफर्ट जोन जो होते हैं ये हमारी लाइफ का आराम क्षेत्र हैं और इन सबको हमें छोड़ना होगा अगर हम अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें होती है फिज़िकल कंफर्ट जोन को छोड़ने में। आपने देखा होगा कि आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं और फिर थक जाते हैं, हाथ दुखने लगता है, पैर दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, ये आपका फिज़िकल कंफर्ट जोन है। जब आप अपने फिज़िकल कंफर्ट जोन से निकल कर कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इन कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हमें आवश्यकता किस चीज़ की होगी, हमें आवश्यकता होगी इफ़र्ट्स यानी प्रयत्न की और कमिटमेंट दृढ़ निश्चय की। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लेंगे और उसके लिए बहुत सा प्रयास करेंगे तब आप इन कंफर्ट जोन को छोड़ पाएंगे। लॉ नंबर फाइव में भी यही बात है कि हम अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेली प्लानिंग करें यानी दैनिक योजना बनाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दिन भर के कार्य की योजना बनानी चाहिए तभी हम कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। दैनिक योजना बनाने से क्या होगा, हम अपने कार्य पर फोकस कर पाएंगे। तो इसके लिए यानी डेली प्लानिंग के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा, खर्च करना होगा एक थोड़ा सा टाइम, जिससे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली के जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हम पूरे दिन में थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं यानी आराम का समय निकाल पाते हैं। डेली प्लानिंग जो समय का सत्र होता है वो हमारे टाइम को लेवल करता है यानी समय के स्तर को मेंटेन करता है। और इसमें क्या खर्च लगता है यानी डेली प्लानिंग में खर्च क्या होता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट। अगर आप 10 से 15 मिनट अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं तो अगले दिन में, अगले पूरे दिन को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं पूरे दिन का, यानी पूरे दिन आपके महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे और आपके पास समय भी बचेगा।
और डेली प्लानिंग जो होता है ये एक डिफाइंड टास्क है, यानी बहुत ही अच्छा काम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, समय समाप्ति तक, डेडलाइंस तक हमारे सारे कार्यों पर हम फोकस कर पाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य ख़त्म कर पाते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट, अपने बड़े बड़े कार्यों को ख़त्म कर पाते हैं। और जब हमारे कार्य अकम्प्लिश होते हैं ख़त्म होते हैं तो समय समाप्ति पर हम बहुत खुशी होती है। तो डेली प्लानिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट नंबर लॉ है कि आपका व्यवहार आपके सही विश्वास से प्रभावित होता है, रिफ्लेक्ट करता है। जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं आपका व्यवहार भी वैसा ही होता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसे एग्जांपल, ऐसे इंस्टेंस, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे हमें कार्यों पर विश्वास तो होता है कि वो सही हैं लेकिन हम उन्हें सही नहीं कह पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे जो कार्य करते हैं उस पर उन्हें विश्वास है लेकिन हम उन्हें नकारते हैं, या हम जो कार्य करते हैं उस पर हमें विश्वास है लेकिन वो नकारते हैं, तो जबकि हम जानते हैं कि वो सही हैं। यदि हम अपने अंदर बैठे हुए गलत विश्वास को रिमूव नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो हमारा व्यवहार कभी भी बदल नहीं पाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि हमें अपने अंदर बैठे हुए विरोधाभासी विश्वास को, यानी अपने अंदर बैठे हुए गलत विश्वास को हटाना होगा और सही चीज़ों पर सही विश्वास करना होगा। लॉ नंबर 7 है कि आपकी संतुष्टि आपके विश्वास और आपकी वास्तविकता पे डिपेंड करती है। आपका जो विश्वास है वही आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार है, वही आपकी सोच है और यही सही भी आपको लगता है। यदि आपका व्यवहार सही परिणाम देता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो आपको लगता है कि आपका विश्वास सही है। लेकिन यदि आपका व्यवहार परिणामों के अनुरूप नहीं होता है, यानी आपको सही परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आपको लगता है कि आपका विश्वास गलत है। यानी कुछ चीज़ों पर जब आप विश्वास करते हैं और आपको सही परिणाम मिलता है तो आपको लगता है हाँ आप सही हैं, और जब कुछ कार्य करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही इनकरेक्ट बिलीफ यानी गलत बातों पर विश्वास करते रहेंगे तो आप लोगों पे अटैक करेंगे और बहुत सारे मानवीय शत्रु बना लेंगे और बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएंगे। लॉ नंबर 8 है निगेटिव बिहेवियर यानी नकारात्मक व्यवहार जो आपके अंदर गलत विश्वास को पैदा करता है। नकारात्मक व्यवहार आपके अंदर नकारात्मकता लाता है, आपके आत्मअभिमान को हराने वाला व्यवहार पैदा करता है। नकारात्मक व्यवहार हराता है आपके जीवन के कंट्रोल करने के तरीके को। नकारात्मक व्यवहार अक्सर गलत या अनुपयुक्त विश्वास पैदा करता है। नकारात्मक व्यवहार जब आपके अंदर पैदा हो जाता है तो वो व्यवहार आपके लिए अनुपयुक्त है, आपकी संतुष्टि के लिए सही नहीं है और आप एक घुमावदार बनावट में फंसते जाते हैं। मतलब ये है कि नकारात्मक व्यवहार आपके कार्यों को पीछे धकेलता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर रखिए किसी भी काम के लिए। लॉ नंबर नाइन है सेल्फ इस्टीम के लिए। सेल्फ इस्टीम यानी आत्ममहत्व। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आत्ममहत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्ममहत्व है तो आप अच्छा फील करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं, आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। ये विश्वास करते हैं कि आपका आत्ममहत्व दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड करे, निर्भर हो, तो आप गलत सोचते हैं, यानी आप अपने आप के खिलाफ जा रहे हैं। आपकी खुद की स्वयं की वैल्यूज होनी चाहिए, आपके खुद के मूल्य होने चाहिए, आपका आत्ममहत्व, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। अपने आप को महत्व देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के अप्रूवल पे हमें अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए, अपने कार्य नहीं करने चाहिए। तो आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। लॉ नंबर 10 है गिव मोर एंड हैव मोर, यानी ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा पाओगे। हमारे पास जो भी एक्सेस चीज़ें हैं यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमें बांटना होगी, दूसरों को देना होगा, तो वो भी हमें अपनी एक्सेस चीज़ें बांटेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास अतिरिक्त धन है, हमारे पास अतिरिक्त टैलेंट है, प्रतिभा है, अतिरिक्त ज्ञान है, हमारे पास अतिरिक्त योग्यता है, हमारे पास अतिरिक्त अनुभव है, यानी जो हमारे पास अतिरिक्त चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो इन्हें हमें दूसरे लोगों के साथ शेयर करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो भी अपनी एक्सेस चीज़ें हमसे शेयर करेंगे और इस तरह से हमारे बीच के डिफरेंसेस खत्म होंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया की बहुत सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसा स्पेशली हमें उन लोगों के लिए करना चाहिए जो मेहनती हैं, लॉयल हैं,
प्रतिभा जिनके पास बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें अपनी एक्सेस को शेयर करेंगे तो हमारे जो एक्सेस होंगे वो तेज़ी से बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो भी प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, एक्सपीरियंस है वो हम दूसरों से बांटेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस और आगे दूसरे लोगों से बांटेंगे, तो इस तरह हम अपने एक्सेस को बढ़ाते जाएंगे। तो ये थे वो 10 नियम जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, जिसका अनुभव न केवल स्वयं राइटर ने किया है बल्कि उन हज़ारों लोगों ने इसका अनुभव किया है जो इसका टेस्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी इन 10 में से जितने नियम आपको अच्छे लगे, आपको समझ में आए, उन नियमों को फॉलो कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5।